हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। 365 डेज करंट अफेयर्स का अगला वीडियो हमारे सामने है। फील प्राउड वाला वो मैं मूवमेंट है। देखिए, इंडिजिनस दूसरी वैक्सीन है जो हमारी कंट्री में अप्रूवल पा चुकी है और इसके ऑर्डर आने वाले हैं, थर्ड क्लिनिकल ट्रायल पे जाने वाली है। इसका नाम है कोर्बीवैक्स। ये सेकेंड मेड इन इंडिया वैक्सीन होगी जिसको सरकार ने एडवांस पेमेंट दे दी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत कुछ इस पर डिस्कस करने के लिए है। तो आइए बायोलॉजिकली लिमिटेड की कोर्बीवैक्स के बारे में पढ़ते हैं। बट बिफोर वी बिगेन, प्राप्ति ये सलाह है आपके लिए, हर घर लड़की अवसर योजना, इसके तहत आप अगर चाहें तो आप अपने घर में कोई भी लड़की, बहु, बेटी, बहन में से कोई भी चाहे तो आई एस की तैयारी के लिए हमारे पास जुड़ सकता है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम उनकी हम सॉर्ट आउट करेंगे, सस्ते में उन्हें पढ़ने का मौका देंगे। अधिक जानकारी के लिए नीचे गए नंबरों पर संपर्क करें। देखिए, कोर्बीवैक्स जो है वो डिफरेंट क्यों है? जाहिर सी बात है, इसमें कई क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये कैसे काम करती है, ये दूसरे से अलग क्यों है, क्या इंडिया अपना वैक्सीन प्रोग्राम चला रही है उसके थ्रू ये चल रहा है। जाहिर सी बात है, 300 मिलियन डोजेस, तकरीबन 30 करोड़ डोजेस कोर्बीवैक्स की जो हैं, कोर्बीवैक्स की सरकार ने ली हैं। बायोलॉजिकल ई कंपनी हैदराबाद बेस्ड है उसको, और ये वैक्सीन इंडिया के लिए इतनी इंपॉर्टेंस क्यों रखती है, तो इस सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए, बिना अधिक देरी के। आई कोर्बीवैक्स कैसे वर्क करती है? कोर्बीवैक्स जो है, जो आपका कोरोना वायरस का प्रोटीन सब यूनिट है उससे रिलेटेड है, रिकॉम्बाइन प्रोटीन सब यूनिट पर काम करती है। तो स्पाइक प्रोटीन वायरस पे काम कर रही है, तो ये आपकी बॉडी में डाल दिया जाता है तो उसको रिप्लीकेट करती है और डिजीज़ देती है। इस डिजीज़ से क्या होता है, हमारी बॉडी जो है वो कोशिश करती है एंटीबायोटिक बनाने की और इसके अगेंस्ट फाइट करती है। हमारी बॉडी में ऑलरेडी एंटीबायोटिक इसके लिए बनने लगते हैं और ये काम करने लगती है। तो अब हमारा होता है कि इम्यून इसके लिए रिस्पॉन्स करने लगा। जब वो रिस्पॉन्स करने लगा, जो फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ होगा तो फिर प्रॉब्लम करेगी। और जब रियल में कोई वायरस आएगा तो जाहिर सी बात है, हमारी इम्यूनिटी रिस्पॉन्स कर चुकी है स्पाइक प्रोटीन इंजेक्ट करने के बाद, तो सीवियरली इल पर्सन को बचाने की हेल्प करेगी और इम्यून सिस्टम तुरंत उसके लिए वर्क करने लगेगा। ये टेक्नोलॉजी पहले भी यूज़ की जा चुकी है हेपेटाइटिस बी टाइम वैक्सीन में। कोर्बोवैक्स पहली कोविड की वैक्सीन होगी जो इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करेगा। नोवावैक्स भी है जो बेटा प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन पर है, पर अभी इसको एमरजेंसी यूज़ के लिए अथॉरिटीज़ ने रेगुलेशन नहीं दिया। ऑन अदर हैंड अगर बात करें, जो कोर्बीवैक्स है वो भी mRNA वायरल वैक्टर वैक्सीन जो है इन्हीं की तरह काम करती है, बट ये स्पाइक प्रोटीन के द्वारा टारगेट करती है। जैसे RNA जो है वायरल वेक्टर, mRNA में क्या होता है, उसकी जीन कोडिंग और उसके जैसा मिलता जुलता वायरस डाला जाता है जिससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और फ्यूचर में वही हमें फाइट करने की हेल्प करती है। पर कोर्बीवैक्स क्या कर रही है, वो एक्चुअली प्रोटीन ही गिव कर रही है जो कोविड से निकला हुआ है। तो थोड़ा डिफरेंस है। देखिए क्या होता है, एक में आपको एक सिमिलर जीनिंग करके कोई चीज़ डाली जा रही है आर्टिफिशियली बनाकर, और एक में आपको सेम चीज़ स्पाइक प्रोटीन कोविड का निकाला और उसी को आपकी बॉडी में डाल दिया। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। स्पाइक प्रोटीन बहुत फैमिलियर होगा कोविड वायरस के जैसा, तो आपकी बॉडी में जब वो इनहेंस अंदर जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा चीज़ें बदलेगा और आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाएगा इम्यूनिटी से। बाकी क्या है, ये RNA DNA के कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। mRNA और वेक्टर टेक्नोलॉजी में क्या होता है, आप पे एक मैसेज भेजा जाता है सिमिलर टू डेट वायरस जिसके अगेंस्ट एक्ट करते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जाहिर सी बात है, कोर्बीवैक्स जो है वो भी दो डोजेज में दी जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि बेटा लो कॉस्ट वैक्सीन है। अब अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें क्या किया जा रहा है बेटा, इसमें ये जो है, ये जो स्पाइक्स हैं इन्हीं को बेटा कट कर लिया जा रहा है और ये स्पाइक ही सीधे आपकी बॉडी में इंसर्ट कर दिए जा रहे हैं, सीधे आपकी बॉडी में इनको डाल दिया जा रहा है और जिसके थ्रू आपका रिस्पॉन्स स्ट्रांग आएगा और फ्यूचर में आपकी इम्यूनिटी को ये स्ट्रांग करने का काम करेगा। ये कोशिश इसमें की जा रही है। तो एक पहली चीज़ है, पहली बार ऐसी वैक्सीन वर्ल्ड में आएगी और एक बहुत बड़ा ब्रांड नेम है बायोलॉजिकल ई इंटरनेशनल मार्केट में। तो इसका ट्रस्ट WHO में भी है। देखते हैं इसको कितनी जल्दी अप्रूवल मिलता है, इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन कब मिलता है, वो बात अलग है। बहुत चीप बनेगी, जाहिर सी बात है चीपेस्ट होगी क्योंकि स्पाइक प्रोटीन जनरेट करना ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता। तो इस चक्कर में इसकी वैक्सीन कहा जाता है कि 500 में दोनों डोज मिल जाएंगे। अब देखिए, आप RNA से रिलेटेड जो है वो आपकी, आपने पता है कौन सी चल रही हैं, प्रेजिफर एंड मैडरना चल रही है। इसके बाद वायरल वेक्टर या वी वेक्टर पे जो चल रही है वो बेटा जॉनसन एंड जॉनसन की है, गैमिलिया है, कैनसाइनो है, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका जिसे आप कोविशील्ड बोलते हो। होल वायरस पे बेटा हमारी जो है वो भारत बायोनोटेक ने जो बनाई है कोवैक्सीन, वो है।
इसके बाद साइनोवैक है, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, साइनोफर भी है। और इसके बाद प्रोटीन सब यूनिट की बात करेंगे तो प्रोटीन सब यूनिट से रिलेटेड नोवावैक्स है, बट इन्होंने जो पैटर्न फॉलो किया है, इन्होंने इसे मिलते जुलते वायरस के प्रोटीन स्पाइक्स डाले हैं। बट जो हमने अपनी वैक्सीन बनाई है, जो बायोटेक ही बना रही है, उसमें बहुत चीज़ें चेंज हैं। उसमें क्या हो रहा है, सीधे स्पाइक प्रोटीन को आपकी बॉडी में इंसर्ट कराया जा रहा है, तो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये। इसके बाद एक समझिए कि जाहिर सी बात है, पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडियन गवर्नमेंट ने किसी को भी 1500 करोड़ रुपए का एडवांस पेमेंट दिया है, और वो सोच रहे हैं कि इसके द्वारा 15 करोड़ सिटीजन्स को इंडिया में वैक्सीन मिल जाएगी। सेंटर ने अप्रूव कर दिया है और प्रोवाइड कर दिया है कि आप अपना क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट करिए, जो भी करना है ना, प्री क्लिनिकल ट्रायल से पहले इन्होंने पेमेंट दे दी गई है। और इससे पहले ग्रांट एंड एड भी दिया गया था डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी द्वारा 100 करोड़ का, कि आप इस पर रिसर्च कंटिन्यू करिए। मेजर रीज़न क्या है, मेजर रीज़न ये है कि इंडिया में इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ है, वैक्सीन सप्लाई नहीं बढ़ पा रही, आउट ऑफ स्टॉक हो रही है। वैसे आप बात करें US, UK, EU जो हैं, इन्होंने भी एडवांस पेमेंट दी थी, और ये रिस्क होता है पेजीफर एस्ट्राजेनिका और मॉडर्ना को दी थी। इंडिया वेट करती है जब तक कि वैक्सीन और फर्स्ट टू वैक्सीन जो हैं वो अप्रूव्ड हैं और लिमिटेड ऑर्डर उसके प्लेस हो रहे हैं। अभी हमारे पास अगर हम सारे रिक्वायरमेंट्स रेगुलेटरी अपने हटा दें फॉरेन वैक्सीन से, तो भी हमें जल्दी वैक्सीन नहीं मिलेगी, क्योंकि बेटा हर एक कंपनी जो है, भले वो पेजीफर या मॉडर्ना हो, वो दूसरी कंट्रीज़ को भी सप्लाई दे रही है, तो उनको नहीं रोक सकती। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट नाम जो आज हमारे जहन में आएगा वो बायोलॉजिकल ई है। बायोलॉजिकल ई भी बेटा हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, जैसे भारत बायोटेक है, तो ये जो बायोलॉजिकल ई है हैदराबाद की कंपनी है, इसको डॉक्टर DVK राजू ने 1953 में बेटा बनाया था, और ये पाइनियर है ना, प्रोडक्शन ऑफ हैपरिन इन इंडिया। और इसके बाद DPT जो है, ठीक है, इस पे ये देती है डायरिया, पोलियो एंड टिटनेस वैक्सीन लार्ज स्केल पे देती है, और ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट मेजर वैक्सीन मेकर है हमारी कंट्री में, और टिटनेस की सबसे ज़्यादा वैक्सीन जो है वर्ल्ड वाइड यही बनाती है बायोलॉजिकल ई। तो जाहिर सी बात है WHO में जो 5-in-1 वैक्सीन है डिप्थेरिया, टिटनेस एंड पर्ट्यूसिस की, इन पे यही काम करती है, हेपेटाइटिस बी और हीमोफेलिस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, इन सब के इन्फेक्शन के लिए दवाई पहले से बना रही है। ये वैक्सीन जो है 100 कंट्रीज़ में ऑलरेडी डिप्लाई कर चुके हैं, 2 बिलियन से ऊपर डोजेस 10 साल में अकेले बेच चुके हैं। तो एक बहुत बड़ा ब्रांड बनता है, बहुत बड़ा ट्रस्ट है बेटा हमारी कंट्री में इनका, तो होपफुली ये जो मेडिसिन और जो चीज़ें बनाते हैं वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट होती हैं। तो हमें उम्मीद है कि इनकी जो वैक्सीन है ये भी इंडिया में बहुत जल्दी आ जाएगी। देखिए प्रॉब्लम क्या है, इंडिया इस टाइम पे स्टेट ऑफ इमरजेंसी में है कोविड वायरस के चक्कर में, और हम कोविड वायरस के चक्कर में हमेशा अपने काम को रोक के नहीं बैठ सकते, हमें इसको इम्प्रूव करना है, रेगुलेट करना है, जल्द से जल्द ख़त्म करना है। तो सरकार अपने सारे एफर्ट्स लगा रही है, पहली बार एडवांस पेमेंट देंगे इंडिजिनस सेकंड वैक्सीन क्या है, ऑर्डर हमने प्री बुक किए हैं, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में इस चीज़ को हम होल्ड करेंगे, देखेंगे कैसे ये ख़त्म हो सकता है। कोरोना वायरस ख़त्म करने की जंग जारी है, तो इसमें अब सेकेंड इंडिजिनस वैक्सीन की बारी है, देखते हैं भाई ये क्या करती है। आज के लिए इतना ही बेटा, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखें कोविड अभी भी फैला हुआ है, उससे बचना आपके लिए ज़रूरी है, तो कृपया अपने आप को घर पर रखें, सुरक्षित रखें। अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लगते हैं, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं sattvik_runner26 पे, क्योंकि सोशल मीडिया पे कनेक्ट होने से हमें बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं, आप मुझसे बहुत कुछ पूछ सकते हैं, हम लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं, और उससे मेरे अंदर भी बदलाव आएगा ताकि मैं और बेहतर कर पाऊँ। आज के लिए इतना ही बेटा, जय हिंद, वंदे मातरम।